हम लोग को मारा, इसके दोस्तों ने हम लोग को क्लब में मारा है इसके लिए। भारतीय स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को लेकर जहां एक हैरतअंगेज वीडियो इन दोनों हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, जहां पृथ्वी शॉ की एक सेल्फी ना लेने के चक्कर में कुछ फैन के साथ बुरी तरह से हाथापाई हुई है। और जो अभी आपने ये ऑडियो क्लिप सुना है, ये ऑडियो क्लिप भी उसी लड़ाई का बताया जा रहा है, जहां पर एक लड़की और एक लड़का साफ साफ कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ ने हम पर हाथापाई की है, और तस्वीरों में भी ऐसा देखा जा सकता है। अब ऐसा पृथ्वी शॉ का करना उन पर कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि बीते दिनों में बीसीसीआई ने माइकल क्रार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और बॉर्डर गवास्कर सीरीज में कमेंट्री करने वाले थे, मात्र लड़की के साथ हाथापाई के चक्कर में बीसीसीआई ने माइकल क्रार्क को कमेंट्री नहीं करवाई थी। और ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के खुद के खिलाड़ी का ऐसा बर्ताव करना किसी लड़की के सामने, जिस तरह से इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पृथ्वी शॉ कुछ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि लड़की का पृथ्वी शॉ के ऊपर ऐसा आरोप भी लगाना है कि पृथ्वी शॉ ने क्लब के अंदर उनका फोन छीनकर जमीन पर गिर दिया, जिससे वो फोन भी टूट गया है। हालांकि ओशिवारा पुलिस ने इस मामले को लेकर 8 लोगों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का एक ऐसी वीडियो में सामने आना उनके करियर के लिए जरूर संकटमय बन सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, जहां पृथ्वी शॉ की ये फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही हैं। हालांकि इसी हादसे के चलते पृथ्वी शॉ की दोस्त की कार के ऊपर भी आक्रमण किया गया, जहां बेसबॉल के बैट से BMW के कार के शीशे तोड़ दिए गए और गाड़ी की धज्जियां तक उड़ा दी गई हैं। अब ऐसे में देखने योग्य बात रहेगी BCCI इसके ऊपर क्या बड़ा एक्शन लेती है, लेकिन फिलहाल वो लड़की और लड़का जो इस वायरल वीडियो में दावा कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ ने पहले उनके साथ हाथापाई की थी, वो इस वीडियो में बार बार कह रहे हैं कि उनके पास पृथ्वी शॉ के खिलाफ सबूत है। और जरूर इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि यहां पर जो शख्स मौजूद हैं वो भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ही हैं। क्या कुछ आपका कहना है पृथ्वी शॉ की इस हाथापाई के बारे में, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।